माय नेम इज नैना शर्मा, वेलकम टू माय चैनल माय नैना क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे हम बच्चों को घर बैठे ही आराम से प्लस के यानी कि ऐड के सम सिखा सकते हैं, बहुत ही इजी ट्रिक के साथ, बहुत ही इजी मेथड के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हां जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप देख ही रहे होंगे कि मैडम ने तो काउंट एंड राइट लिखा है। मैडम तो बात करी एडिशन की, लेकिन बात हो रही है द काउंट एंड राइट की। जी हाँ, काउंट एंड राइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। ऐड करने से पहले हमें ये सीखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों को सबसे पहले काउंट एंड राइट आना जरूरी है। तो उसके लिए पहले हम काउंट करेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर बच्चा लिखेगा 6। नेक्स्ट 1 2 3 4 4। 1 2 3 3। 1 2। ये था हमारा काउंट एंड राइट। काउंट एंड राइट के आफ्टर जस्ट आता है ड्रॉ लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई, हमें सीखने के लिए, मतलब बच्चों को जब हम सिखाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है वो। किस लिए? वो अभी आपको पता चल जाएगा। पहले आप देखते हैं ड्रॉ लाइन, यानी कि लाइन ड्रॉ करना या पिक्चर ड्रॉ करना या सर्कल ड्रॉ करना, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो फिलहाल मैंने लिख दिया है ड्रॉ लाइन। तो यहां पर लिखा है 6, तो बच्चा 6 लाइन ड्रॉ करेगा, वो भी स्पीक लाउडली करके। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट नंबर 4, तो 4 लाइन ड्रॉ करेगा बच्चा, 1 2 3 4। नेक्स्ट 3, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, एंड लास्ट इज 1 1। जी हाँ, ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे हम एडिशन यानी कि ऐड करने वाले हैं सम को। जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई है, बच्चा पिक्चर्स को काउंट करेगा, जैसे कि ये 1 2 3 4, यहां पर लिख देगा 4। यहां पर कितने क्लाउड है? ये 1 2 2 नंबर। यहां पर ट्री कितने हैं? 1 2 3 3 लिख देगा बच्चा। 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5 6। हां जी, ये हमारा हो गया ऐड करना, यानी कि पिक्चर्स को कैसे ऐड करके यहां पर लिखा जाता है। अब आता है हमारा डायरेक्ट प्लस के सम ऐड करना। यहां पर वही अब मेथड अपनाने वाले हैं हम, ड्रॉ लाइन वाला। यहां पर कितना नंबर लिखा हुआ है? 3। तो हम बच्चे से बोलेंगे 3 लाइन ड्रॉ करिए, तो बच्चा आसानी से 3 लाइन ड्रॉ करेगा। 1 2 3, इसके नीचे नंबर क्या लिखा हुआ है? 2। तो 2 लाइन ड्रॉ करी, 1 2। अब हमें बोला है इन सारी लाइंस को हमें क्या करना है? काउंट करना है। तो काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5, और ये जो 5 नंबर है हमारा आंसर है, यहां पर हम लिख देंगे। है ना, बहुत इजी मेथड। चलिए नेक्स्ट आपको सॉल्व करके बताती हूँ कैसे करना है। 4, 1 2 3 4 2 1 2। अब हम इन्हें क्या करेंगे? यस, काउंट करेंगे सारी लाइंस को, 1 2 3 4 5 6। देखिए, है ना बहुत इजी। ऐसे ही हम आराम से बच्चों को करवा सकते हैं ये प्लस के सम। अब आता है नेक्स्ट 2 डिजिट वाले। देखिए ये कैसे, अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक ये वाला सेक्शन, एक ये वाला। अब ये कितना है भाई? 1, तो 1 लाइन, 1 1 लाइन। अब अगेन इट क्या करना है हमें? काउंट करना है 1 2, और इसका आंसर लिख देंगे हम इधर 2। अब ये वाला जो सेक्शन है 2, इसकी लाइन हम इधर ड्रॉ कर लेंगे 1 2। ये कितना नंबर लिखा है? 1 1, तो इन्हें काउंट करेंगे हम 1 2 3, तो इसका आंसर हम लिख देंगे 3। तो देखिए, ये देखो 2 डिजिट वाले नंबर भी हम आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। अब आपको एक और सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे करना है। 4, 1 2 3 4 2 1 2, काउंट एंड राइट 1 2 3 4 5 6, राइट डाउन। नेक्स्ट अब इधर देखिए 2, तो 2 नंबर, 2 लाइन खींच देंगे, 3 है तो 3 लाइन्स ड्रॉ कर देंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ये हो गए हमारे डबल डिजिट वाले नंबर जो हम आसानी से बच्चों को प्लस के सम सिखा सकते हैं। तो
तो दोस्तों ये थी बहुत इजी मेथड के साथ प्लस के सम सिखाने वाले, तो आप अपने बच्चों को घर बैठे आसानी से प्लस के सम सिखा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।